नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। हाल ही में हुए इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले ने इंडियन आर्म फोर्सेस को झकझोर कर रख दिया है। ये एक तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए वेकअप कॉल था। ये इंडिया के ऊपर होने वाला अपने तरह का एक पहला ड्रोन अटैक था। इससे पहले भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका मकसद आर्म्ड एमुनेशन, ड्रग्स और पैसे को पाकिस्तान से इंडिया के बॉर्डर के अंदर तक पहुंचाना था। पिछले साल जून 2020 में बीएसएफ ने जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था, जो अपने साथ खतरनाक M4 कैरबिन्स, उसकी मैगजीन्स और 7 ग्रेनेड्स को कैरी कर रहे थे। दिसंबर 2019 में पंजाब पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास एक ड्रोन को मार गिराया था, जो अपने साथ 11 आरजेस और 84 हैंड ग्रेनेड्स को कैरी कर रहे थे। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है और आतंकवादियों को हथियार, ड्रग्स और अवैध हथियारों की आपूर्ति करने के लिए चाइनीज और पाकिस्तानी ड्रोन्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक इफेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम होने की बहुत ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक काउंटर ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस सिस्टम का नाम है स्मैश 2000+। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल इस सिस्टम को इंडियन नेवी ने प्रोक्योर किया था। हालांकि इनकी नंबर डिस्क्लोज नहीं किए गए थे कि कितनी संख्या में इंडियन नेवी ने इसे ऑर्डर किया है। वहीं इंडियन नेवी के अलावा इजरायली और US के स्पेशल फोर्सेस भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम यूज़ करने में काफ़ी आसान और ड्रोन को शूट करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसे किसी भी असॉल्ट राइफल जैसे कि AK-47 या AK-203 राइफल के ऊपर आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो राइफल्स को एक स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट कर देती है। ये सिस्टम ड्रोन को 120 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने में सक्षम है। स्मार्ट 2000+ में एडवांस काउंटर UAS अनमैन्ड एरियल सिस्टम मोड होता है, जो ड्रोन्स के खिलाफ एक्यूरेट हार्ड किल कैपेबिलिटी प्रदान करता है। वहीं इसमें लगा हुआ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट सिस्टम रात और दिन में बलून्स या काइट्स जैसे छोटे और फास्ट मूविंग टारगेट्स को भी रैपिडली एक्वायर कर लेते हैं। साथ ही इसमें फ्रेंडली और हॉस्टाइल टारगेट्स को भी पहचान करने की क्षमता होती है। ये इमेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को एक्वायर और ट्रैक करता है। इसे 5.56 mm या 7.62 mm कैलिबर के असॉल्ट राइफल पर आसानी से माउंट किया जा सकता है। उसके बाद ये सिस्टम टारगेट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, हाईलाइट और ट्रैक करता है और उसे अपने सी थ्रू डिस्प्ले पर दिखाता है, जिस वजह से बैटलफील्ड में सोल्जर्स के सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें एक बिल्ड इन फायर कंट्रोल प्रोसेसर भी लगा हुआ है, जो ये बतलाता है कि टारगेट पर कब फायर करना इफेक्टिव रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम एक काफ़ी असरदार काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जिसे आसानी से इंटीग्रेट और ऑपरेट किया जा सकता है। इस सिस्टम को इजरायली डिफेंस कंपनी स्मार्ट शूटर द्वारा डेवलप किया गया है। अगर इन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस से बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ये कंपनी भारत में ही इस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाली है। अभी जब हमारे पास कोई इफेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम अवेलेबल नहीं है और ड्रोन अटैक का खतरा अब काफ़ी बढ़ गया है, तब हमारे आर्म फोर्सेस को स्मैश 2000+ एंटी ड्रोन सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएँ, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।